हेलो स्टूडेंट्स कैसी है बच्चा पार्टी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाय रिया हाय कल्पना हाय शिवम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या बात है मानसी ग्रेट 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 सो so, स्टूडेंट्स आज हम ट्वेल्थ स्प्रिंट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आर यू एक्साइटेड गाइज टेल मी इन द चैट बॉक्स आर यू एक्साइटेड हाउ इज द जोश गुड आफ्टरनून पुष्पिंदर हाय शिवेश हाय तुषार ग्रेट ग्रेट ओके सो स्टूडेंट्स चलिए जो भी बच्चे आज न्यू आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन दबा दो ताकि आगे जितने भी ऑसम awesome लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं ऐसा कोई भी लेक्चर ना हो जो आप मिस करो तो जल्दी से सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो जल्दी से सो so, स्टूडेंट्स ये है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको 5000 थाउजेंड प्लस आर ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगी एंड इसमें आप 20 प्लस मास्टर टीचर से पढ़ सकते हो जिनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स इसमें आपके पास इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस की भी ऑप्शन है और साथ में आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो और अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक को विद हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर कर सकते हो ग्रेट कल्पना ग्रेट डैब राइट सो so, स्टूडेंट्स इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की फुल असेस मिलेगी और इसमें आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो और साथ में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो और आप घर से आराम से बैठ के कंफर्टेबिलिटी से अच्छे से हर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो गुड मॉर्निंग मानसी गुड मॉर्निंग कल्पना ग्रेट ग्रेट चलो सो so, स्टूडेंट ये जो प्रो सब्सक्रिप्शन है इसको आप वन मंथ के लिए थ्री मंथ्स के लिए या फिर सिक्स मंथ्स के लिए ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे है और आप इसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है वहां पर आप कोड एस ए जी प्रो करके इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो सो so, स्टूडेंट्स ये है आज का हमारा शेड्यूल जिसमें आप जोलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर सुन सकते हो तो स्टूडेंट्स किसी भी बच्चे ने कोई भी लेक्चर नहीं मिस करना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए क्लियर स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम ट्वेल्थ का बायोडावर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन पढ़ने वाले हैं इसमें हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज वन मार्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैज कॉज सिवियर डैमेज टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम नेम इट इन द चैट बॉक्स जल्दी से स्टूडेंट हैबिटेट लॉस एंड जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज किसको हुआ है इकोसिस्टम में टेल मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से इट इज वन मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब देखो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसमें बहुत सारे रीजन हैं बट उनमें से जो सबसे मेन रीजन है हैबिटेट लॉस मतलब कि जो स्पीशीज़ हैं उन स्पीशीज का हैबिटेट लॉस हो रहा है जिस वजह से वो स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के या फिर हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं और इस चीज का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और यू कैन से एमेजॉन फॉरेस्ट क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी वेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो फॉलो होगा अगर हम इस तरह से हमारी अर्थ है यहां पर इक्वेटर है यहां पर पोल्स हैं तो अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारी स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी टेल मी इन द चैट बॉक्स वो इंक्रीज करेगी या फिर वो डिक्रीज करेगी जेब्रन बिल्कुल सही बेटा ग्रेट मेघा ग्रेट सही है डिक्रीज अंजना ने भी डिक्रीज कहा है सौंदर्या डिक्रीज ओके पुष्पिंदर ने भी डिक्रीज कहा है तो स्टूडेंट्स यहां पर अब आप देखिए कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ में ये जो एरिया होता है दिस इज इक्वेटर ठीक है इक्वेटर पे फिर यहां पर ट्रॉपिकल्स होते हैं ठीक है और जो ये वाला एरिया है दिस इज पोल्स ठीक है अब जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं ना स्टूडेंट यहां पर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो हमें बहुत ज्यादा मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो स्पीशीज़ के लिए फेवरेबल होता है और यहाँ पर यूजली जो चेंजेस हैं वो बहुत ही रेयर आती हैं इन्वायरमेंट में जिस वजह से हमें इक्वेटर पे और यू कैन से ट्रॉपिकल एरियाज पर जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेयर टू पोल्स तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो उससे फिर क्या होगा स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रीजन इज कंसिडर्ड एज वन विद हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ वट इज द नेम गिवन टू सच रीजन फॉरेस्ट ये स्टूडेंट इस बार नीट 2020 में भी पूछा गया था ऐसा सा क्वेश्चन सो टेल मी इन द चैट बॉक्स ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे हमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है और उस रीजन को और हम क्या कहते हैं टेल मी इन द चैट बॉक्स कहां पे हमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है निपुण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डॉक्टर मंजीत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आंचल ट्रॉपिकल रीजन तनु ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिल्कुल सही सो स्टूडेंट द राइट आंसर इज एमेजॉन रेन फॉरेस्ट एमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये जो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट है इनको हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं क्यों कहा जाता है इनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्योंकि जो हमारी अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है जिससे हम रिस्पायर करते हैं वो जो ऑक्सीजन है वो मेनली हमें कहाँ से मिलती है एमेजॉन रेन फॉरेस्ट से तो हमारी अर्थ की जो मेनली ऑक्सीजन है वो हमें रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिस वजह से हम एमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लानिट भी कहते हैं क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स एमेजॉन रेन फॉरेस्ट नॉट एमेजॉन क्लियर एमेजॉन कुछ बच्चे एमेजॉन फ्लिपकार्ट आंसर कर रहे हैं <laughs> नहीं एमेजॉन रेन फॉरेस्ट है नॉट एमेजॉन राइट ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ पॉइंट वन टू पॉइंट टू रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनमिक ग्रुप और रीज़न विल बी द स्लोप ऑफ लाइन स्टीपर इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ जैसे आपको पता है कि एक अलेक्सेंडर नाम के साइंटिस्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो Z की वैल्यू है वो पॉइंट वन से पॉइंट टू रहती है वट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन स्टीपर इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप तो जल्दी से बताइए कि वो क्या होगी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप मतलब कि अगर हम ज्यादा एरिया कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी जल्दी से वेन देयर इज मोर स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज डाइवर्सिटी नो नैरो नो सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज स्लोप इज मच स्टीपर इफ वन अनालिसिस द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कंट्री अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि इस तरह से जो ग्राफ है एरिया के बढ़ने से जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो एरिया के बढ़ने से पहले तो इंक्रीज करती है पर बाद में कांस्टेंट हो जाती है बट अगर हम एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारा एरिया कंसीडर करें मान लो अगर हम किसी एक स्टेट को कंसीडर करें दिल्ली को करते हैं अब दिल्ली में एक आपको कुछ स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी मिल रही है बट अगर आप अगर दिल्ली की जगह पूरे इंडिया को कंसीडर करोगे तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है कि आपको स्पीशीज़ बायोडावर्सिटी ज़्यादा मिलेगी अगर आपको ज़्यादा मिलेगी तो अगर जैसे हम आगे करेंगे भी इस ग्राफ में अगर हम इसका लॉग देखे देखें तो ये जो लाइन आती है ये लाइन ज्यादा स्टिपर हो जाएगी मतलब कि टूवर्ड द वाई एक्सिस हो जाएगी क्लियर समझ में आया ओके सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज

ओके okay. चलिए अब मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं प्रिजर्विंग अ मटीरियल इन लिक्विड नाइट्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम हम किसी मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रायो क्रायोप्रिजर्वेशन अब ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन है स्टूडेंट्स ये क्यों की जाती है लाइक like, अगर हम बायोडावर्सिटी की बात करें हमारे पास कुछ जर्म प्लाज्म है अगर हमें लगता है कि वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है कोई स्पीशीज तो हम उसका जो जर्म प्लाज्म है वो क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से हम मेंटेन कर सकते हैं क्लियर समझ में आया बिल्कुल सही डॉक्टर मंजीत माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे क्रायो प्रिजर्वेशन की जाती है लिक्विड नाइट्रोजन में में हम पॉल ग्रेन गेमीट्स बहुत सारी चीजें हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं क्लियर ओके आर नेक्स्ट क्वेश्चन द रीजन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट दैट इज रोवॉल्फिया वॉमिटोरिया इट इज ऑल्सो वन मा क्वेश्चन जो रोवॉल्फिया वोमिटोरिया है इसमें क्या रीजन है कि जो हमें जेनेटिक वेरिएशन मिलती हैं जल्दी से सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज जेनेटिक वेरिएशन मस्ट बी इन द टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजर पाइन अब देखो ये जो रिवॉल्फिया वॉमिटोरिया होता है इससे हमें एक केमिकल मिलता है दैट इज रेजरपाइन अब ये जो रेजर पाइन है स्टूडेंट्स ये क्या है जो रिवॉल्फिया का प्लांट है वो हमें हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे मिलता है और हिमालय के डिफरेंट रीजन्स पर वो डिफरेंट पोटेंसी के साथ मिलता है इसका मतलब ये कौन सी डाइवर्सिटी हुई स्टूडेंट इट इज जेनेटिक डायवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी एट द जीन्स लेवल अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रिवॉल्फिया वॉमिटोरिया है वो डिफरेंट पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन से जो केमिकल सब्सटेंस है रेजरपाइन उसे बना रहा है क्लियर समझ में आया ओके देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स ऑफ इंडिया हमारे इंडिया में कौन से दो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच जोन मिलते हैं टोटल हमारे इंडिया में टेन बायोजियोग्राफिकल रीजन होते हैं उनमें से ऐसे कौन से दो हैं जिसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है सो so स्टूडेंट्स राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालया आपको याद रखना है आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालय आर द टू मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन ऑफ इंडिया क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन नेम एनी टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्ससी टू कंजर्वेशन तो स्टूडेंट्स यहां पे एक्स सी टू कंजर्वेशन क्या होती है देखो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो एक्सटिंगड होने वाला है या फिर हम किसी ऑर्गैनिज्म या, या किसी स्पीशीज़ को हम कंज़र्व करना चाहते हैं तो हम कैसे कंजर्व कंजर्व कर सकते हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं पहला हम उस स्पीशीज को उसके ही नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व करने की कोशिश करें या फिर हम क्या करें उस स्पीशीज को किसी और जगह पे ले जाके उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस जगह पे रेप्लीकेट करें राइट right. तो यहां पे उन्होंने पूछा है एक्स टू कंजर्वेशन तो एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होती है जिसमें हम एक स्पीशीज को दूसरी जगह पर ले जाके कंजर्व करते हैं और उस जगह पे उसको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ठीक है so, सो एक्स टू कंजर्वेशन की एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन बिल्कुल सही नेशनल पार्क नो जूलॉजिकल पार्क बिल्कुल सही so students the right answer is botanical garden and zoological parks clear aaya? okay next question how many species of plants and animals have been described by iucn in 2004 what is global species diversity according to robert may आपकी एनसीआरटी में ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितनी स्पीशीज हैं जो आई ने बताया था और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल कितनी स्पीशीज होती हैं टेल मी इन द बॉक्स हरी अप स्टूडेंट्स सो थैंक यू राजवीर बिल्कुल सही सौम्या सेवन मिलियन बट सेवन मिलियन जो है वो रॉबर्ट मे ने कहा था आई यू सी एन है्लांट्स एंड एनिमल्स जो आई यू सी एन है वो आई यू सी एन ने बताया था कि मोर देन वन पॉइंट फाइव मिलियन जो स्पीसीज होती हैं वो अर्थ के ऊपर होती हैं बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेट द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट सेवन मिलियन क्लियर समझ में आया अब देखो यहां पर स्टूडेंट आपको मैं एक, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जैसे यहां पे सेवन मिलियन बताया रॉबर्ट मे ने राइट right? रॉबर्ट ने सेवन मिलियन बताया मिलियन कितना होता है जल्दी टेल इन द चैट बॉक्स मिलियन कितना होता है टेन रेज टू पार फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितना होता है मिलियन वन पॉइंट फाइव नो टेन रेज टू पार सिक्स बिल्कुल सही तो यहां पर सेवन मिलियन जैसे कि रॉबर्ट ने कहा तो यहां पर सेवन मिलियन का मतलब क्या हो गया सेवन लाख ठीक है तो हमें ना ये जो डाटा है हमें ये डाटा बिल्कुल सही लग रहा है और हम इसे फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर्ड ही नहीं हुई एनसीआर के अकॉर्डिंग अभी तक हमने 1.52 पॉइंट फाइव टू मिलियन स्पीशीज डिस्कवर की है ठीक तो है अब 1.5 टू 1.7 मिलियन जो स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं अगर हम उसको देखें तो वो कितनी हो गई कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख मतलब कि अभी बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो येट टू भी डिस्कवर्ड हैं बहुत टाइम लगना है और ये भी हो सकता है कि क्या सारी स्पीशीज डिस्कवर ही ना हो क्यों क्योंकि कई स्पीशीज तो डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंग करी जा रही है ठीक है बट स्टूडेंट आपने एक चीज सुनी होगी हमेशा टीवी में मोस्टली हमारे जो रिलीजियस बुक्स है उनमें भी कहा जाता है कि जो इंसान का जन्म है वो इंसान का जन्म लेने के लिए हमें 84 फोर जन्म लेने पड़ते हैं कितने बच्चों ने ये चीज सुनी है कि हमें इंसान का जन्म लेने के लिए 84 फोर लैख रिलीजियस फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे 84 फोर लैख तो अगर स्टूडेंट्स हम इस बात को सही माने जो हमारी रिलीजियस बुक्स में लिखी हुई है तो वो बात भी बिल्कुल यहां पे रिलेट हो रही है देखो अभी हमने सिर्फ 15 टू 17 लाख ही स्पीशीज डिस्कवर करी हैं, बट पहले ही हमें पता है रिलीजियस बुक्स के अकॉर्डिंग पता है कि 84 लाख ,00 स्पीशीज ,00 होती हैं बट अगर हम रॉबर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 70 लाख ,00 स्पीशीज होती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होने वाली हैं क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन को विद द एग्जाम्पल ऑफ स्यूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन को एक्सटिंक्शन विद दूटेबल एग्जाम्पल अब को एक्सटिंगशन क्या होती है स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन देखो नाम से पता लग रहा है को एक्सटिंगशन को एक्सटिंग है स्टूडेंट मतलब एक्सटिंग होना तुम्हें पता है को मतलब किसी चीज का साथ में एक्सटिंग होना अब जैसे यहां पे देखते हैं हम को एक्सटिंक्शन रेफर्स टू डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज विद एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर स्पीशीज जैसे यहां पर आप देखो कि यहां पर एग्जांपल ली गई है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म की अब देखो स्टूडेंट्स जो भी स्पीशीज सिंबायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं मतलब वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं अगर उनमें से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ड होती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो दूसरी स्पीशीज है वो उसके बिना नहीं रह पाएगी क्लियर तो अगर वो उसके बिना नहीं रह पा रही तो वो भी एक्सटिंगड होगी वो भी एक्सटिंग होगी तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं को क्लियर अब जैसे प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का मतलब कि अगर किसी प्लांट को पॉलिनेशन करने वाली एजेंसी ही एक्सटिंग हो जाए तो उस प्लांट की पॉलिनेशन तो होगी नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो प्लांट है वो प्लांट भी एक्सटिंग कर जाएगा राइट स्टूडेंट्स क्लियर समझ में आया ओके ग्रेट देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज मच लेस देन दैट ऑफ एनिमल्स वाई जो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें मिलती है स्टूडेंट्स प्लांट्स के केस में सुदर्शन बिल्कुल सही फेक एंड वास्प जो भी जितनी भी एग्जांपल हम सिंबायोटिक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं बिल्कुल सही ठीक है तो आप मुझे यहां बताओ कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो प्लांट्स में हमें कम मिलती है एज कंपेयर टू एनिमल्स वाई क्यों हमें प्लांट्स में डाइवर्सिटी कम मिलती है क्योंकि अगर आप देखोगे लाइक like, जैसे हम अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें कितने कॉमन हमें इंसेक्ट्स मिलते हैं है ना हर जगह पे इंसेक्ट ही इंसेक्ट मिलते हैं तो ऐसा सा क्यों द राइट आंसर इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज मच लेस देन दैट ऑफ एनिमल बिकॉज Most animals possess nervous system.

क्या होता है, है हम उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अप कर जाते हैं बट प्लांट अगर अंदर अंदर हम देखें तो अंदर तो प्लांट के कोई इतना वेल डेवलप्ड सिस्टम ही नहीं होता उनके अंदर तो कुछ बस थोड़े से होते हैं, है एज कंपेयर टू एनिमल्स क्योंकि जो एनिमल्स है उनके अंदर well वेल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं राइट right? क्लियर ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सी टू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन मैंने अभी आपको बताया ही था कि इन सी टू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होती है इन सी टू कंजर्वेशन में हम उस स्पीशीज को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट पे ही कंजर्व करेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज इन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चुरल हैबिटेट बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग अप दैबिटेट राइट और अगर हम एक्स टू की बात करें इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज ले रिमूविंग इट फ्रॉम द अनसेफ हैबिटेट एंड प्लेसिंग अंडर द कार मतलब यहां पे ये यह क्या बताया हुआ है ईडीएम की फॉर्म में कि आप उसको ऐसी सी जगह जो चीज आप उसे बताना चाहते हो उसे मेंटेन करना चाहते हो वहां पर आप उसे रख सकते हो क्लियर आफ्टर दैट इट हेल्प इन रिकवरिंग पॉपुलेशन इन द सराउंडिंग अब इससे क्या होता है कि जो सराउंडिंग में पॉपुलेशन है वो भी रिकवर कर जाती है लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मान लो मॉस्किटो है राइट right? अब मॉस्किटो को एक फिश खाती है गैम्बूजिया अब अगर हम उसको गैम्बूजिया को निकाल के कहीं और ले जाएंगे तो उस एरिया में तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन सीटू कंजर्वेशन से क्या होता है कि अगर गेम्बूजिया फिश वहीं पे रहेगी तो वो मॉस्किटो लार्वा को खाएगी जिससे जो है वो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी क्लियर बट एक्स एक्सिटू में क्या होता है इट हेल्प इन रिकवरिंग पॉपुलेशन अंडर साइम कंडीशन राइट सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इन सीटू कंजर्वेशन की नेशनल पार्क बायोस्फियर रिजर्व बट अगर हम बात करें एक्सी टू की तो एक्सी टू में बोटेनिकल गार्डन जीन बैंक्स, जूलॉजिकल पार्क ये सारी एग्जाम्पल्स क्या है स्टूडेंट एक्स टू कंजर्वेशन क्लियर समझ में आया ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन समटाइम्स इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्सॉटिक स्पीशीज अपसेट नेटिव स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम ट द स्टेटमेंट विद्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मतलब क्या स्टूडेंट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वहां पर रहने वाली स्पीशीज को अफेक्ट होता है तो इसका क्या रीजन है जल्दी से बताओ मुझे चार्टॉक्स में मेघा जल्दी से क्या रीजन है किसी एग्जॉटिक स्पीशीज को किसी एक जगह पर लाकर उस जगह की स्पीशीज क्यों अफेक्ट हो जाती हैं? जल्दी से सौंदर्य जल्दी से बताओ द राइट आंसर इज द एलियन स्पीशीज बिकम इन्वेजिव एंड कंपीट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कंपीट मतलब कि अगर हम किसी एग्जॉटिक स्पीशीज़ को लेकर आते हैं तो उससे क्या होता है वहाँ पर रहने वाली स्पीशीज़ को कंपटीशन मिलने लग जाता है और कई बार उस कंपटीशन की वजह से कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट भी कर जाती हैं विद द नेटिव स्पीशीज कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज़ जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश एक बार अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर में यह फिश यूज की जाती है इसको इंट्रोड्यूस किया गया जिससे क्या हुआ वहां की जो इंडीजिनस कैट फिश थी वो एक्सटिंगड होने पर आ गई ठीक है क्लियर समझ में आया क्लियर स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट वट आर सेक्रेड ग्रूव वट इज़ देर रोल इन कंजरवेशन सेक्रेट ग्रूव्स क्या होते हैं अब देखो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि कुछ लोग ट्राइबल कुछ स्पेसिफ़िक कोई लोगों के ग्रुप्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए होते हैं आपने ज़रूर मूवीज़ वग़ैरह में देखा होगा कि वहाँ पर जो उनके रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई बाहर से आके वहाँ पर जो जैसे लाइक वो किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वहाँ आके वो किसी भी स्पीशीज को अफेक्ट नहीं कर सकते तो अब उन लोगों ने जो रूल्स बनाए उन रूल से हमें अल्टीमेटली क्या बेनिफिट हो रहा है कि जो हमारी स्पीशीज़ है हमारी स्पीशीज़ वहाँ पे कंजर्व हो रही है राइट सो व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव सेक्रेड ग्रूव्स आर सेक्रेड फॉरेस्ट पैचेस अराउंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ठीक है ट्राइबल पीपल डू नॉट अलाउ टू कट इवन अ सिंगल ब्रांच ऑफ ट्री इन दीज से ड्यू टू विच मेनीमिक स्पीसी फ्लरिश इन दिस रीजन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट तुलसी की बात करें तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है टेलमी इन द चार्टॉक्स जल्दी से तुलसी का साइंटिफिक नेम इ चार्ट बॉक्स जल्दी से बताओके सो ऑस्सीम ऑस्सीमम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे घरों में तुलसी की पूजा भी की जाती है अब अगर किसी प्लांट की पूजा की जा रही है मतलब कि ऑस्सीम क्या हुआ इट इज अक्रेड प्लांट तो अब क्या है कि अगर हम किसी प्लांट की पूजा कर रहे हैं तो हम पूरी कोशिश क्या करेंगे कि उस प्लांट को बिल्कुल भी हम काटे ना हर्ट ना करें खराब ना हो वो प्लांट तो हम उस प्लांट की केयर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम उसकी जो केयर कर रहे हैं उसको उससे प्लांट को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि वो कंजर्व हो रहा है उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं क्लियर समझ में आया बिल्कुल सही विनाक्षी ऑसिम ज आर सेक्रेट प्लांट्स लाइक नीम भी नीम भी एक सेक्रेट प्लांट है क्लियर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजन वाई इज इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ प्रो कैरियॉर्ड्स अब देखो हम जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं अगर हम प्लांट्स की बात करें एनिमल्स की बात करें तो हम ये बताते हैं कि ये इतने नंबर में है ये इतने नंबर में है जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन एल की बात करूँ तो यूजली बोला जाता है कि ग्रीन एल की सेवन थाउजेंड स्पीशीज़ होती हैं रेड एल की फ़ाइव थाउजेंड स्पीशीज़ होती हैं तो अब हम एलगी के, के केस में प्लांट्स के, के केस में एनिमल्स के, के केस में तो नंबर बोल रहे हैं बट हम प्रोकैरियोट्स के, के केस में क्यों नहीं बता पाते कि उनका नंबर क्या है सो स्टूडेंट्स द आंसर इज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट क्लाइमेट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकेरियॉड बिकॉज अब क्या होता है स्टूडेंट प्रोकेरियॉड्स को हम क्यों नहीं पता कर सकते देखो पहले तो जो प्रोकेरियॉड्स हैं बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं है ना अब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम भी होता है और वो जो बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करके बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं है ना अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस की बात करें है ना अब जो कोरोना वायरस है वो क्या आप बता सकते हो कि कितने वायरस हैं में हम उनका नंबर तो नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है ना ही दिखता है माइक्रोस्कोपिक है तो जब तक हम उसके बारे में पता करने लगे पता नहीं वो रिप्रोडक्शन करके कितना ज्यादा और बढ़ जाएगा सेम केसोकर में है राइट सो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड आर नॉट सुबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज मेनी ऑफ दी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर अंडर लेबोरटरी कंडीशन बहुत सारी प्रोक्रियोटिक की स्पीसीज होती है जिनको हम लैब में कल्चर ही नहीं कर सकते लाइक like जैसे आपने डिसीज सुना होगा सिफ्लस सिफलस इज कॉज बाय टेल मी इन द चैट बॉक्स सिफलस इज कॉज बाय जल्दी से बताओ सिफलस डिशीज आपने सुना होगा जो एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है इज कॉज बाय सो सिफल्स इज कॉज बाय ट्रोपोनिमा पेलीडियम तो जो ट्रोपोनिमा पेलीडियम है स्टूडेंट मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इस बैक्टीरिया को हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते जैसे कि वायरसेस जो होते हैं हम वायरसेस को भी लैब के अंदर कल्चर नहीं कर सकते हमें वायरसेस को कल्चर करने के लिए एक लिविंग सिस्टम चाहिए होता है वैसे ही जो ट्रोपोनिमा पेलीडियम है जो सिफलस कॉज करता है वो भी बैक्टीरिया लैब में कल्चर नहीं हो सकता तो अगर कुछ बैक्टीरिया हैं जो लैब में कल्चर ही नहीं हो सकते तो हम उनको काउंट तो कैसे ही कर पाएंगे राइट right? then biochemical and molecular biology techniques would put their diversity into millions. अब जैसे कुछ biotechnology आपको पता है हमारे syllabus में भी है उसमें आपने देखा होगा कि हम जो organisms हैं उनको modify कर लेते हैं अब अगर organism modify हो गया तो उससे तो हम बिल्कुल भी नहीं पता लगा पाएंगे कि उसका number exactly कितना है Right, clear, okay students, great. Then what is so special about ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे हमने वो पहले अर्थ की एग्जाम्पल बनाई थी तो अर्थ में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जैसे आपने भी पहले बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है तो इसका रीजन क्या है वहीं पर हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों मिलती है द आंसर इज स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब देखो जो स्पीशिएशन है वो फंक्शन है टाइम का मतलब क्या कि कोई भी जो स्पीशीज आती है धरती पे अर्थ पे जो भी स्पीशीज इवॉल्व हुई है ऐसा नहीं है वो एक ही दिन में हुई है उसको इवॉल्व होने को बहुत सारा टाइम लगता है ठीक है वहां पर स्टूडेंट जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है जिससे क्या होता है वहां पर जो स्पीशीज है वो इवॉल्व ही नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट होता है कि हो, कई बार कुछ स्पीशीज इवॉल्व ही नहीं होती वो पहले ही खत्म हो जाती है ठीक है ट्रॉपिकल एटूड हैव रिमेंड ऑफ ईयर जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो मेनली अनडिस्टर्ब रहते हैं वहाँ पे सनलाइट भी प्रॉपर होती है और वो अनडिस्टर्ब रहते हैं जिसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो ईजिली इवॉल्व होके न्यू स्पीशीज बना सकती हैं राइट दॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन राइट देन ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रोडिक्टेबल क्लियर आफ्टर दैट मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू ग्रेटर डाइवर्सिटी क्लियर समझ में आया मतलब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे सोलर एनर्जी ज्यादा होएगी और आपको पता है कि जो सोलर एनर्जी है वो हमारे लिए अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ट्रॉपिकल एरिया में अगर हमें सोलर एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वहां पर स्पीशीज एवोल्यूशन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे राइट क्लियर ओके सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जल्दी से स्टूडेंट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इस टर्म को तोड़ो बायो मींस क्या होता है डाइवर्सिटी मींस क्या होता है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में विनाक्षी जयंता मानसी जल्दी से बताओ बेटा वट इज बायोडाइवर्सिटी लिविंग स्पीशीज बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है वेराइटीज सो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज टोटली ऑफ जीन्स स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ आवर गिवन रीजन मतलब जो बायोडायवर्सिटी है उसमें हम जीन्स लेवल तक स्पीशीज लेवल तक इकोसिस्टम के लेवल तक जो भी हमें वैरायटी मिलती है उस सारे को अगर हम इंक्लूड करें तो उसको हम क्या बोलते हैं बायोडायवर्सिटी क्लियर अब देखो जो बायोडायवर्सिटी है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट टाइप्स की होती है सबसे पहली है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है इट रेफर्स द डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स लेवल जीन्स लेवल पे जैसे अब अभी हमने डिस्कस भी किया था रिवॉल्फिया वॉमिटेरिया ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज More substances it has against environmental perturbation. मतलब जितनी ज़्यादा 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 हमें genetic diversity मिलेगी उतनी ही उस species के chances होंगे उस होंगे में survive करने के राइट वेयर जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आर हाईली प्रोन टू डिसीज और हार्श इन्वायरमेंट अब जैसे यहां पर स्टूडेंट्स हम बात करें लाइक like राइस है ठीक है या फिर मैंगो है आप अच्छा चलो मुझे आप बताओ कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसकी सबसे ज्यादा वेराइटीज हमें मिलती हैं कौन सी है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कौन सी ऐसी सी वेराइटी है कौन सी ऐसी सी स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म है जिसकी सबसे ज्यादा हमें डाइवर्सिटी मिलती है टेल मी इन द चैट बॉक्स चलो ऑप्शन देता हूं मैं आपको मैंगो राइस व्हीट मेज मैंगो राइस वीट, मेज डॉक्टर मंजीत, राइस राइस क्या बात है क्या बात है जब ही ऑप्शन दी तभी सारे बच्चों ने आंसर बता दिया अमित मैंगो नहीं बेटा मैंगो नहीं हमें लगता है यूजली अगर हम देखें ना हमें लगता है कि मैंगो की वेरायटी ज्यादा है क्योंकि हमारे घरों में बहुत तरह का आम आता है खाने के लिए बट अगर हम राइस की बात करें तो राइस तो एक ही तरह के बासमती राइस सुने होते हैं तो फिर यूजली ना बच्चों को लगता है कि ज्यादा जो वेरायटी है वो मैंगो की होती है बट नहीं स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो वेराइटीज है वो हमें राइस की मिलती है क्लियर समझ में आया सो so, अब नेक्स्ट है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज विदिन अ रीजन एक रीजन में मिलने वाली स्पीशीज जो डिफरेंट हमें मिलती हैं उसको हम कहते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी अब जो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है वन इज स्पीशीज रिचनेस एंड अदर इज स्पीशीज इवननेस अब देखो स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस क्या होता है लाइक like, हमारे पास एक रीजन वन है और एक रीजन टू है ठीक है। रीजन वन में हमें पैरेट दो मिलते हैं स्पैरो वो भी दो मिलती हैं, पीजन भी हमें दो मिलते हैं ठीक है और अगर हम रीजन टू की बात करें तो पैरेट हमें तीन मिलते हैं स्पैरो हमें एक मिलती है और पिजन भी हमें एक मिलता है तो अब मुझे आप चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि रीजन वन और रीजन टू में से ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें कहां मिलती है जल्दी से बताओ जल्दी से रीजन वन और रीजन टू में से हमें ज्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहां मिलेगी रीजन वन में या फिर रीजन टू में ए वन ठीक है टू में वन में वन 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 टू निधि टू नहीं पू वन मेघा वन सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज वन स्पीशीज रिचनेस जो है वो हमें रीजन वन में ज्यादा मिलेगी क्यों अब आप देखो मैंने आपको बताया कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस के ऊपर डिपेंड करती है स्पीशीज रिचनेस क्या होता है नंबर ऑफ स्पीशीज अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो दोनों रीजन में हमें

मतलब कि इनके एक्सटिंगड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अगर ये एक्सटिंगड हो गए तो उससे क्या होगा फिर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी तो कम हो जाएगी इसलिए जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो स्पीशीज रिचनेस के साथ साथ स्पीशीज इवननेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि ऐसा ना हो कि अगर वो स्पीशीज है वो मर जाए तो उससे क्या हो एक्सटिंगड ही हो जाए क्लियर समझ में आया ओके okay. सौरभ चौहान का आज बर्थडे है हैप्पी बर्थडे बेटा गॉड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे ओके सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी अब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इट रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ हैबिटेट कम्युनिटी टाइप एंड ए बायोटिक प्रेजेंट इन एन एरिया मतलब कि वो डाइवर्सिटी जो हमें इकोसिस्टम लेवल पे मिलती है इट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स अल्फा बीटा एंड गामा तो अब देखो यहां पे स्टूडेंट ये कैसे होती है लाइक like, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक माउंटेन है ठीक है अब इस माउंटेन में क्या है स्टूडेंट्स दोबारा यहाँ पर हमारे पास एक माउंटेन है ठीक है अब इस माउंटेन में अगर मान लो ये जो एरिया है इतना एरिया इस एरिया में हमें स्पीशीज़ ए मिलती है ठीक है अब अगर हम इस माउंटेन के ऊपर हाइट पर जाएंगे तो इस एरिया में मान लो जो ए स्पीशीज़ है वो ए स्पीशीज़ नहीं मिल रही ठीक है तो एक रीजन में मिलने वाली जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं अल्फा मतलब इट नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इन अ गिवन कम्युनिटी एक कम्युनिटी में मिलने वाली डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं अल्फा और देखो बीटा बायोडाइवर्सिटी विच अपियर्स इन रेंज ऑफ कम्युनिटीज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विद चेंज इन कम्युनिटी मतलब कि अगर कम्युनिटी चेंज होए और साथ में स्पीशीज रिप्लेस कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी राइट देन गामा डायवर्सिटी इज इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर टोटल जियोग्राफिकल एरिया अगर हम पूरे ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें वहां पर हमें मिलने वाली डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स ओके ग्रेट सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी क्या जरूरत है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की टेल मी इन द चैट बॉक्स क्यों हमें कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं जिस वजह से हमें कंजर्व करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को जल्दी से बताओ जल्दी से क्यों हमें कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को क्या मिलता है हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट सोचो कि हमें हमारी सराउंडिंग से क्या क्या चीजें मिलती हैं जल्दी से बताओ ओके सो स्टूडेंट्स द रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडावर्सिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट इज रोन रीजन मतलब कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली बायोडावर्सिटी मतलब हमारे सराउंडिंग से मिलती हैं ह्यूमन डिराइव अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक फूड अब देखो जो हम फूड खाते हैं वो हमें प्लांट सोर्सेज होती हैं ठीक है फाइबर फायरवुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मेडिसिनल प्रोडक्ट ये सारी चीजें वो हैं स्टूडेंट जो हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑप्टेन करते हैं राइट देन अगर हम स्टूडेंट्स ब्रॉड यूटिलेरियन रीजन की बात करें तो इन चीजों के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं बट ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलती लाइक like, पॉलीनेशन अब जो पॉलिनेशन है अगर प्लांट्स पॉलिनेशन करेंगे तभी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी और तभी एक प्लांट के अंदर फ्रूट बनेगा और अल्टीमेटली वो फ्रूट का भी किसे बेनिफिट है हमें ही बेनिफिट है राइट सो बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग इको इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें इतनी सारी ऑक्सीजन हम डेली बचपन से जब से हम इस दुनिया में आए हैं इवन उससे भी पहले हम रेस्पायर कर रहे हैं तो जो हमें हमने इतनी ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही यूज कर ली वो हमें किसने प्रोवाइड करी वो हमें बायोडाइवर्सिटी ने हमारे प्लांट्स ने ही तो प्रोवाइड करी है देन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स विदाउट विच सीड्स और फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस्ड एस्थेटिक प्लेजर लाइक बर्ड्स अब जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि जैसे एक बर्ड है वो बर्ड सुबह सुबह साउंड प्रोड्यूस करता है कितनी प्यारी आवाज होती है वो तो वो चीज भी क्या है स्टूडेंट्स वो भी तो स्पीशीज हैं अगर वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट ही कर गई तो अब जैसे लाइक स्पैरो है पहले आज से कुछ साल पहले स्पैरो बहुत कॉमनली देखने को मिलती थी बट अब वो स्पैरो बहुत ही रेयर है कि कभी देखने को मिले क्यों क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने पे आई पड़ी है ठीक है तो अब अगर वो एक्सटिंक्ट होगी तो हम कभी भी फिर जिंदगी में उसे नहीं देख पाएंगे और जो हमें किसी से भी कोई प्लेजर मिल रहा है वो भी हमें नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे बर्ड वॉचिंग वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स वॉकिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट ठीक है अब जैसे फॉरेस्ट हम काट ही जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फ्यूचर में अगर कहीं हमें घूमने जाना है किसी फॉरेस्ट में वो तो हम जा ही नहीं सकते क्लियर वर्किंग अप विद द बुलबुल सॉन्ग अब बुलबुल सॉन्ग पे पहले कितने सॉन्ग्स भी बनते होते थे अब तो कभी वो सुनने को ही नहीं मिलती आवाज राइट देन एथिकल रीजन अब एथिकल रीजन में क्या है कि अब देखो स्टूडेंट मान लो कि अगर कोई स्पीशीज है उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं भी है बट इस धरती पे इस दुनिया में हर स्पीशीज़ का अपना एक हक है ऐसा नहीं है कि अब अगर ह्यूमन है वो सेल्फ कॉन्शियस है तो वो अपने फायदे के लिए किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाता रहे ठीक है तो कुछ एथिक्स भी होते हैं कि जो भी स्पीशीज़ है हम उस स्पीशीज़ के साथ कुछ भी गलत ना करें ताकि वो यहाँ से एक्सटिंगड हो जाए धरती पे हर स्पीशीज़ को हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पेस मिली है तो हमें एज ह्यूमन किसी भी स्पीशीज़ की स्पेस ख़राब नहीं करनी चाहिए तो ये हमारे एथिक्स होने चाहिए एवरी स्पीशीज़ हैज़ एन इंटरेंसिक वैल्यू इवन इफ इट इज़ नॉट इन आर इकोनॉमिकल वैल्यू टू वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर देयर वेलबिंग एंड पास द बायोलॉजिकल लिगेसी टू प्रॉपर फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन ये चीज़ आपको भी जाननी चाहिए और ये चीज़ आपको आगे दूसरे लोगों को भी बतानी चाहिए कि हर एक स्पीशीज को अपना हक है इस धरती पे रहने का राइट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके नेक्स्ट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ़ ऑफ़ स्लोप रिग्रेशन अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट थे मैंने आपको पहले भी बताया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड उन्होंने एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था जिनमें उन्होंने बताया कि अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो पहले तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज करती है और बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है विद रिलेशन एस इज इक्वल टू सी ए पार ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट द रिलेशनशिप बिट्वीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ नंबर ऑफ टेक्सा इज फाउंड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है तो अब अगर हम इसका रिलेशन लॉग की फॉर्म में देखें ऑन अ लॉक स्केल द रिलेशनशिप बिकम्स लीनियर विद रिस्पेक्ट टू लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए ठीक है अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो z है उसकी वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ऑफ रिग्रेशन आर रिगार्डलेस द ग्रुप किसी भी अगर हम ग्रुप की बात करें तो जो वैल्यू है वो वैल्यू मोस्टली कांस्टेंट रहती है अगर हम स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो जो कर्व है वो स्टिपर हो जाएगी मतलब कि ये जो कर्व है ये टूवर्ड्स द एक्सिस आ जाएगी, जिससे क्या है कि स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज कर जाती है मतलब स्पीशीज रिचनेस इन दैट एरिया विल इंक्रीज। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है सो स्टूडेंट्स द फोर मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर सबसे पहला रीजन क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रॉप्स अब लॉस मतलब जैसे आप मान लो कि कहीं पर कोई स्पीशीज रहती है अब आपने वहां पर रहने वाला सारा इनवायरमेंट ही खराब कर दिया तो उससे क्या होगा उससे तो वो स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है इनटू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल टोटल लॉस ऑफ हैबिटेट डिप्राइज मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट देयर होम एंड फेस एक्सटेंक्शन अब अगर हमने किसी का घर ही उजाड़ दिया तो वह कहाँ से रहेगा तो पक्का उसके एक्सटिंगड होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे और स्टूडेंट्स जितने भी रीज़न्स होते हैं बायोडावर्सिटी लॉस के उसमें से जो सबसे मेन फर्स्ट रीजन होता है दैट इज है ठीक है देन ओवर एक्सप्लाइटेशन अब ओवर एक्सप्लाइटेशन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जब हमारी जरूरतें हमारा लालच बन जाएं तो उससे हम क्या करेंगे उससे हम ओवर एक्सप्लाइटेशन करेंगे जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कुछ स्पीशीज को बहुत नुकसान होगा वेन नेचर इज ओवर एक्सप्लॉयटेड बी आर मैन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैनी स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट राइट आफ्टर दैट इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज ये मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी स्पीशीज़ को एक्सॉटिक स्पीशीज़ को लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कंपटीशन क्रिएट होगा और कंपटीशन क्रिएट होने की वजह से जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी और हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए एंड लास्ट इज़ को एक्सटेंक्शन को एक्सटेंशन जैसे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि कुछ स्पीशीज़ जो सिंबायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं उनमें से अगर एक स्पीशीज इफेक्ट होती है तो उसके साथ अदर स्पीशीज पक्का इफेक्ट होगी ही होगी क्लियर समझ में आया ग्रेट सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर एंड यू नो ऑफ कोर्स वी आर ऑसम बिकॉज वी ऑल आर डॉक्टर्स डू यू एग्री विद मी टेल मी इन द चैट बॉक्स कोर्स वी आर ऑसम बिकॉज वी आर डॉक्टर्स फ्यूचर डॉक्टर्स एग्जैक्टली ग्रेट ग्रेट सो जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकॉन दबा दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे हाय राहुल हाय लक्ष्मी हाय उमा ओके ऑफ कोर्स बिल्कुल 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 वो आर डॉक्टर्स ओके सो स्टूडेंट्स ये है मंथन बैच जिसमें आप बहुत ही अल्टीमेट एंड ऑसम फैकल्टी है उनसे आप पढ़ सकते हो और आप उस में डिस्काउंट भी ले सकते हो ट्वेंटी परसेंट तक का बट उसके लिए आपको एस ए जी प्रो कोड अप्लाई करना पड़ेगा एंड स्टूडेंट्स आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ में हमारी वेदांतु टीम का वेदांतु टीम में एंटर होने का भी मौका पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टी शर्ट क्लियर एंड स्टूडेंट्स ये है हमारी वेदांतु की ऐप जिसने वेदांतु यूजर चॉइस ऐप अवार्ड 2019 में जीता बहुत ही ऑसम awesome ऐप है तो सारे बच्चे जल्दी से इसको डाउनलोड कर लो बहुत ही ऑसम मास्टर टीचर्स के आपको इसमें सेशंस मिलेंगे तो आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिए राइट स्टूडेंट्स तो अभी भी कि अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो लाइक like कर दो शेयर कर दो ठीक है यही प्यार स्टूडेंट्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लाइक like कर दो शेयर कर दो अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ के ताकि टीचर को भी एनर्जी मिले आपको और अच्छे से पढ़ाने की क्लियर स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द टूडे सेशन आई होप यू एंजॉयड द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट वी विल कॉन्टिन्यू विद क्रैश कोर्स टिल अ गुड डे थैंक यू